क्या है? एबीसी त्रिज्या 14 सेंटीमीटर वाला एक वृत्त का व्यास है तथा बीसी को व्यास मानकर एक अर्धवृत्त खींचा हुआ है, छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करो। छायांकित भाग ये है, ये इसका क्षेत्रफल निकालना है। तो कैसे निकलेगा? जब इस चतुर्थांश में से इस त्रिभुज को माइनस कर देंगे तो ये वाला एरिया आ जाएगा, यानी कि इसको हम मान लेते हैं वन, इसको मान लेते हैं टू और इसको मान लेते हैं थ्री। ये निकालना है सेकेंड, सेकेंड नहीं सॉरी, ये थर्ड निकालना है, थर्ड। तो कैसे निकलेगा? 12.3 का 15वां सवाल है। अब इसमें नाम लिखा हुआ है ए बी और सी और इसको मान लेते हैं यहां पर डी। त्रिज्या कितनी है? 14 सेंटीमीटर चतुर्थांश की तथा बीसी को व्यास मानकर एक अर्धवृत्त खींचा हुआ है। त्रिज्या बराबर 14 सेंटीमीटर। सर ये डी कहां से आ गया? यहाँ पे तो कोई पॉइंट भी नहीं है। हमने वैसे ही मानना, बाकी जरूरत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं, लो मत मानो, मर्जी है आपकी। ठीक है, त्रिज्या बराबर है 14 सेंटीमीटर। छायांकित भाग निकालना है तो हम कैसे करेंगे? चतुर्थांश माइनस त्रिभुज, पहले इस दो का क्षेत्रफल निकालेंगे, दो का क्षेत्रफल, इस दो का, तो इस दो का क्षेत्रफल कैसे निकलेगा? ये जो चतुर्थांश है ये वाला, इसीलिए मैं लिखने वाला था, क्यों? क्योंकि आपको चतुर्थांश का पता चल जाता। अगर मैं बोलता ए सी डी बी तो आपको पता चल गया चतुर्थांश कौन सा है। अगर मैं बोलूं सी बी और डी, सी बी और डी, तो इसका मतलब ये अर्धवृत्त हो गया, या आप ये मान सकते हो यहाँ पर नाम दे दो ई। अब ये अर्धवृत्त क्या हो गया? बी ई सी, बी ई सी, या आप बोल सकते हो बी ई सी डी, तो ये उधर वाला एरिया हो गया इस प्रकार से। तो दो का क्षेत्रफल कैसे निकलेगा? सॉरी, चतुर्थांश माइनस त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज का चतुर्थांश माइनस त्रिभुज का क्षेत्रफल, क्षेत्रफल कोमल योजी का क्षेत्रफल, कोई दिक्कत नहीं। वो तो आप चतुर्थांश का क्षेत्रफल होता है 1/4 पाई आर स्क्वायर माइनस त्रिभुज का क्षेत्रफल आधा 1/2 आधार चतुर्थांश है, ये सारा चतुर्थांश है, तो ये त्रिज्या हुई, ये त्रिज्या हुई और ये भी त्रिज्या हुई। कैसे बता दूं? देखो ऐसे ये व्रत है, इसमें चतुर्थांश होता है ये वाला चतुर्थांश लिया गया है, तो यहाँ से वृत्त के सेंटर से और वृत्त तक क्या होती है? त्रिज्या। वृत्त के सेंटर से और यहाँ तक क्या होती है? त्रिज्या, यानी कि ये वाला चतुर्थांश लिया गया है। तो इसमें त्रिभुज का आधार हमारा ये हो गया और लंब ये हो गया, अगर हम इसको ऐसे त्रिभुज बना दे तो आधार ये हुआ और लंब ये हो गया। तो इसमें ये कितनी है त्रिज्या? 14, ये 14 और ये भी 14। ठीक है, अब इसकी अगर हम ये करण निकाल लें तो करण भी निकल सकता है। तो करण की जरूरत क्यों पड़ेगी? क्योंकि इस अर्धवृत्त का ये व्यास है, ये बी है, इस अर्धवृत्त का ये व्यास है, इसकी जरूरत इसीलिए पड़ेगी। तो पहले ये निकाल लेते हैं, उसका केस बाद में। 1/4 पाई की वैल्यू 22/7, इसने कहा तो नहीं कि भाई 3.14 लो ना जी, चलो आर का स्क्वायर 14 × 14 माइनस 1/2 गुना आधार गुना लंब 14 × 14 काटेंगे इसको, 4 से 22 कटेंगे, 2 × 4 2 × 11 22 दो से काटेंगे 2 × 3 14 7 से 7 कितना आया? 154। इसको सोल्व किया तो कितना आया? 154। अब इसकी 2 × 7 = 14, 14 × 7 = 98 माइनस 98, 154 में से 98 गया, कितना बचता है? 52, 56 बचता है, 56 बचता है, 14 में से 8 गया 6। ठीक है, फिर यहाँ पे क्या बचा? 14, 14 में से 9 गया 5, तो 56 बचा, 56 सेंटीमीटर स्क्वायर। किसका एरिया आया?
दो का, ये आ गया हमारे पास 56। बाकी उसको तो नहीं मिटाना था, सेकंड बॉम्ब बन देगा वो, इतनी बड़ी बात नहीं है। सेंट्रलाइज करो, ठीक है। अब देखो इसमें क्या है, ये वाला एरिया वन, ये वाला सेकंड, थर्ड, ये थर्ड, असलियत में हमें थर्ड निकालना है। यस सर। त्रिज्या कितनी थी? 14 सेंटीमीटर। तो इसका मतलब आधार था और लंब भी यही था। यस सर। आधार और लंब दोनों बराबर है। अगर इसमें पाइथागोरस थ्योरम लगाए तो ए यहाँ पर क्या था? बी। नहीं, यहाँ पर बी था और यहाँ पर सी था। तो मैं डी माइनस था। पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है? करण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। तो करण है हमारा बीसी, तो बीसी का स्क्वायर बराबर आधार है 14 और स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर 14 का स्क्वायर। तो बीसी का स्क्वायर बराबर कोई भी चीज दो ऐसे आ जाए तो हम उसको डायरेक्ट लिख देते हैं उसको बाहर और रूट में 2। लेकिन नहीं आ रहा, 14 का स्क्वायर 196 प्लस 196 कितना हुआ? 292 अराउंड। 6 और 6 12 का 2 हासिल 1, 9 और 1 10 और 9 19 का 9 हासिल 1। 392 सॉरी मैं 392। अब 392 को सॉल्व करेंगे इससे ऐसे, 2 एक कम 2 बचा 1, 19 हो गया, 2 नीम 18 बचा 1, 2 छिक 12। फिर 2 से करेंगे 2 नीम 18 बचा 1, 2 8 16। 2 से करेंगे 2 चौके 8 फिर 7 से हो जाएगा 7 1। अब 7 का पेयर बना, 2 का भी पेयर बना, इसका पेयर नहीं बना, यानी कि जिसका पेयर बना उसको बाहर लिखते हैं और जिसका पेयर नहीं बना उसको रूट के अंदर। तो 7 गुना 2 14 और रूट 2 14 रूट 2 आ गया। बीसी का स्क्वायर 14 रूट 2 स्क्वायर नहीं, स्क्वायर उधर जाके रूट में हो जाता है। कैसे देखो, बीसी का स्क्वायर बराबर 14 का स्क्वायर 196 प्लस 196 स्क्वायर उधर जाके रूट में। या आप कह सकते हैं कि दोनों तरफ हमने रूट किया, दोनों तरफ रूट करने पर इधर भी रूट करेंगे, इधर भी रूट करेंगे, इधर वाला कट जाएगा और इधर वाले के अंदर रह जाएगा रूट, यानी 196 प्लस 196 रूट 392, यानी कि कितना आया? 14 रूट 2। ये आ गया हमारा व्यास, ये वाली चीज ठीक है, 14 रूट 2। अब व्यास आ गया हमारा, त्रिज्या कितनी हो जाएगी? 7 रूट 2। हाँ सर। अर्धवृत्त का व्यास 14 रूट 2। तो त्रिज्या कितनी होगी? त्रिज्या होती है उसके बटे में 2। हाँ सर, 14 रूट 2 डरे के 14 रूट 2 बटे 2 हो सकते हैं 14 7 रूट 2। अब 3 का क्षेत्रफल कैसे निकलेगा? हाँ, थर्ड एरिया का नाम दिया ना, 1 2 3 सेकंड, 3 का क्षेत्रफल बराबर अर्धवृत्त माइनस सेकंड का क्षेत्रफल माइनस कितना आया? सेकंड का क्षेत्रफल, सेकंड का कितना था? सेकंड का कितना था याद है किसी को? नहीं, क्यों याद नहीं? आपने क्या आइडिया था? तो फिर याद करने नहीं गया, मैंने खुद को भी नहीं कहा कि मेरे को याद करना है, बट लेकिन मेरे को याद है क्यों, हमने 198 में से कितना घटाया था? 56 में से कितना घटाया था? 54 56 आया था लास्ट में। तो फिर अर्धवृत्त माइनस सेकंड का क्षेत्रफल, अर्धवृत्त का 1/2 पाई आर स्क्वायर माइनस 2 का क्षेत्रफल 56, 1/2 पाई की वैल्यू 22/7 आ रही है 14 रूट 2 और गुना 14 रूट 2 7 रूट 2 जी सॉरी हवा 7 रूट 2 और 7 रूट 2 हां सर ठीक है। अब इससे कैंसिल करेंगे
सात से सात का आंसर सात कट गया, दो से कटेंगे कितना आ गया 11। अब रूट दो की रूट दो के साथ गुना करेंगे दो आ जाएगा कितना आया भाई चार क्यों आया रूट दो गुना रूट दो दो हो गया ना दो हुआ कि नहीं हुआ तो फिर दो अंदर दो गुना सात गुना ग्यारह ये बचा दो गुना सात गुना ग्यारह माइनस में 56 था इधर तो माइनस में 56 सात दुनी 14 14 की 11 के साथ गुना करेंगे 154 माइनस 56 वही 98 चेक द आंसर यस सर ये तब तक रन सर चित्र भी बनाओगे जी हाँ इतना सत्र बना तो क्या बड़ी बात दिखाया जो आता है कहना कि I cannot do everything, but I can do something. So I will do something. ठीक है मैं सब कुछ तो नहीं कर सकता बट लेकिन मैं कुछ कर सकता हूँ और कुछ करने के लिए मैं ये नहीं सोचूंगा कि भाई मैं सब कुछ नहीं कर सकता मैं कुछ तो करके रहूंगा ओके चलो तो इस प्रकार से अब ये यहाँ से अगर हम ये देखें ये चतुर्थांश हो गया और उधर से देखें तो ये वाला चतुर्थांश हो गया क्या आप बता सकते हैं ये चतुर्थांश पहला है दूसरा है तीसरा है तो चौथा है चतुर्थांश हाँ सर ये होता है चौथा है सर ये पहला होता है ये दूसरा होता है ये तीसरा होता है ये चौथा होता है तो ये वाली चीज ली गई है ये वाली चीज देखो किसमें है पहले में है और फिर ऊपर कैसे ली हुई है ये वाली चीज ली है कब से में है तीसरा में है गॉट इट फर्स्ट ऐसे था ना फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फोर्थ पहला तीसरा अब इसकी क्या है 8 सेंटीमीटर त्रिज्या भी 8 सेंटीमीटर है और भुजा भी 8 सेंटीमीटर हां सर तो इसका एरिया कैसे निकलेगा ये वाला एरिया निकालना है ये वाला एरिया निकलेगा इन दो चतुर्थांशों का क्षेत्रफल इसका चतुर्थांश का क्षेत्रफल और इसका चतुर्थांश का क्षेत्रफल जी नंबर दे दो जी याद रह जाएगा जो ये बनेगी वही तो निकालनी हमें यानी कि जो इसके फालतू का एरिया है थोड़ा सा ये वाला ठीक और इसके फालतू का एरिया ये वाला यानी कि अगर मैं बीच में इनकी एक लाइन मार दूं ऐसे देखो ठीक है तो जब हम ये एरिया निकालेंगे तो ये वाला एरिया फालतू है ये वाला एरिया फालतू है और जब हम ऊपर वाला निकालेंगे तो ये वाला एरिया फालतू है क्योंकि सिर्फ वर्ग बनाने के लिए इसकी जरूरत है और इसकी जरूरत है ये एरिया और इस एरिया की तो जरूरत है ही नहीं क्योंकि इनके इसके अंदर तो ये वाला एरिया है और ऊपर वाले के अंदर ये वाला एरिया ऑटोमेटिकली है तो हमें क्या करना है इन दोनों को जोड़ के और माइनस वर्ग का क्षेत्रफल क्योंकि वर्ग इन दोनों से मिलकर त्रिभुज से मिलकर बना है तो हम छायांकित भाग का क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे छायांकित भाग का क्षेत्रफल दो पहले त्रिज्या लिख दो ऐसे लिख दो त्रिज्या बराबर 8 सेंटीमीटर भुजा वर्ग की भुजा वर्ग माइनस बराबर 8 सेंटीमीटर यस सर तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल कैसे निकलेगा दो चतुर्थांश का क्षेत्रफल माइनस वर्ग का माइनस वर्ग का क्षेत्रफल तो दो चतुर्थांश का क्षेत्रफल 2 गुना 1/4 पाई आर स्क्वायर माइनस वर्ग का
पूजा का स्क्वायर यस सर 8 का स्क्वायर 8 का स्क्वायर 2 गुना 1/4 पाई की वैल्यू 22/4 3.14 तो नहीं थी ये कुछ ही सर ना जी ओके आर का स्क्वायर 8 का स्क्वायर 64 माइनस माइनस पूजा का स्क्वायर 8 का स्क्वायर 64 64 तो नहीं कटता ऐसे कैसे 11 की 64 के साथ गुणा करेंगे 11 चौक 44 4 11 छह 66 और 4 70 बटे 7 704 बटे 7 माइनस 64 जिसके बटे में कुछ नहीं 1 जब नीचे वाली चीज सेम नहीं है तो क्रॉस मल्टीप्लाई करो इसकी इधर और इसकी इधर 704 माइनस 64 की 7 के साथ करेंगे 7 चौक 28 8 कैरी 2 7 6 42 और 2 44 448 बाय 7 एकम 7 नीचे वाले की नीचे वाले के साथ करेंगे कितना आएगा 14 में से 8 गया 6 यहां पर कितना बचा 9 9 में से 4 गया 5 6 में से 4 गए 2 यहाँ कितना बचा 6 6 में 4 गया 2 सेंटीमीटर स्क्वायर इज दैट राइट प्लीज चेक इट पॉइंटों में कटे नहीं पॉइंटों में क्यों नहीं निकालना क्योंकि 3.14 नहीं दिया 3.14 दिया हो तो पॉइंट में निकालना ठीक है